सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिश कायस्था। सो टुडेज टॉपिक इज नथिंग बट कैटरैक्ट, एक ऐसा कॉमन डिसऑर्डर आई का जो इजीली सबको रिकॉग्नाइजेबल रहता है। कैटरैक्ट इज रेफर्ड टू एज क्लाउडिंग ऑफ क्लियर लेंस ऑफ द आई। कैटरैक्ट इज अ डेंस क्लाउडी एरिया दैट फॉर्म्स इन द लेंस ऑफ द आई। अ कैटरैक्ट बिगिन्स व्हेन द प्रोटीन इन द आई फॉर्म्स क्लम्प्स दैट प्रिवेंट द लेंस फ्रॉम सेंडिंग क्लियर इमेजेस टू द रेटिना। द रेटिना वर्क्स बाय कन्वर्टिंग द लाइट दैट कम्स फ्रॉम द लेंस इन टू द सिग्नल्स विच द ऑप्टिक नर्व कैरीज सिग्नल्स टू द ब्रेन। मीन्स जो इमेज हमारी क्लियर फॉर्म ही नहीं हो रही, प्रॉपर लाइट ही लेंस के थ्रू रेटिना पे नहीं जा रही है, तो हमारी क्लियर इमेज नहीं बनेगी और हमें ब्लर दिखेगा और ओपेक हो जाएगा लेंस। रिस्क फैक्टर्स कि किस किस को ये कैटरैक्ट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वो है इंक्रीजिंग एज, ओबेसिटी, ड्रिंकिंग एक्सेसिव एल्कोहल्स, एक्सेसिव एक्सपोजर टू लाइट, डायबिटीज़, इंजरी, स्मोकिंग, ट्रोमा, इन सब पेशेंट्स में ज़्यादा रहने के चांसेस रहते हैं। चार टाइप्स के हमारे कैटरैक्ट होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियर कैटरैक्ट, कॉर्टिकल कैटरैक्ट, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट, कंजेनिटल कैटरैक्ट। न्यूक्लियर कैटरैक्ट्स आर द वंस दैट आर कॉज्ड बाय सेंट्रल ओपेसिटी। कॉर्टिकल कैटरैक्ट्स आर द वन विच अफेक्ट्स द एज ऑफ द लेंसेज। पोस्टीरियर सब कैप्सुलर अफेक्ट्स द बैक ऑफ द लेंस। कंजेनिटल कैटरैक्ट्स आर द वंस विच आर फ्रॉम बर्थ, मीन्स पैदा होने के साथ से ही वो कैटरैक्ट होता है आइज में। अब आगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है उसमें चार टाइप्स होते हैं, इमैच्योर, मैच्योर, हाइपर मैच्योर और मोगैनियन। इमैच्योर कैटरैक्ट क्या होता है, जिसमें जो लेंस है वो पार्शली ओपेक होता है। द लेंस इज पार्शली ओपेक, विजुअल एक्विटी इज रिड्यूस्ड टू लाइट परसेप्शंस और काउंटिंग फिंगर्स। लेंस इज पार्शली ओपेक, आयरस शेडो इज प्रेजेंट, फंडस मे बी विजिबल। मैच्योर कैटरैक्ट क्या होता है, लेंस इज complete opaque, visual acuity up to light perceptions, lens totally opaque, nor shadow is available or no fundus details. You can use these immature and mature cataract as a differences between them also. Next we are going to talk about hypermature. Hypermature is the cataract which is caused due to the leakage of water out of the lens and cause wrinkled anterior capsule. Now the last classification, Mogagnon. Mogagnon is the hypermature cataract itself, but in which the liquefaction of the cortex are allowed. It is the one in which the liquefaction is there. Clinical features. Clinical features means ek aise features, the signs, the symptoms through which the we are easily able to detect that the person is suffering from cataract are blurred vision, double vision in single eye. Brusnens is nothing but the changing of color from yellow to brown. Fading of yellowish color, seeing halos in light and astigmatism are the main clinical features. Now talking about the diagnosis, we can diagnose the cataract with three examination, which are visual acuity test, retinal exam and slit lamp examination. Now talking about managements. In management, we can talk about non-surgical, we are having medications, eye drops, eyeglasses. Treatment cures cataracts or prevents age-related cataracts. मीन्स जो किसी ट्रीटमेंट के कारण कैटरैक्ट हुआ हो या एज रिलेटेड कैटरैक्ट हो, तो उसको मेडिकेशन से थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। उसके लिए कोई और सर्जिकल मेथड्स या लेंस रिप्लेसमेंट मेथड्स यूज़ करे जा सकते हैं। वी कैन डू फेको इमल्सिफिकेशन, वी कैन डू एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रक्शन, वी कैन डू इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रक्शन। लेंस रिप्लेसमेंट कैन बी डन विच हिज एफेकिक आई ग्लासेस, वी कैन यूज़ IOL implants, कॉन्टैक्ट लेंसेस। So this was all about cataract, and in next video we are going to talk about the pathogenesis or pathophysiology of cataract, which will be the part 2 of the cataract video. So with this, thank you and keep supporting the channel, and please subscribe and hit the bell icon.